हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आए हैं यहाँ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की बारीपदा, जो है बारीपदा से करीब 7-8 किलोमीटर एक बहुत ही सुंदर डैम है, उधर हम जा रहे हैं। ये देखिए, ये है वो डैम जिसका नाम है बालडीहा डैम। ये है उसका ऊपर का एरिया। अब ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, यहाँ लोग नहाते भी है, पूरा बिल्कुल झरने के जैसे पानी बह रहा है ऊपर से। ये देखिए कितना सुंदर है, ऊपर भी लोग नहा रहे हैं, नीचे भी लोग नहा रहे हैं, ट्यूब लेके भी लोग नहा रहे हैं। ये जो एरिया है इसके अंदर शायद कुछ पत्थर रखा गया है, और ये देखिए बिल्कुल झरने की जगह, यहाँ स्टेप स्टेप करके रखा गया है, पूरा बिल्कुल 1-1.5 फुट का स्टेप है। आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, नहा सकते हैं और ऊपर चढ़ भी सकते हैं। ये देखिए, ये नीचे का एरिया है झरने का, मतलब ये डैम का, बिल्कुल पानी बह रहा है। ये सिर्फ बारिश के मौसम में जब पानी बहुत ही मतलब बढ़ जाता है ना, तब यहाँ मतलब ये डैम के ऊपर से पानी उभर आता है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, जी तो करता है कि यहाँ मतलब नहाते रह जाऊँ, दिन भर नहाते रह जाऊँ यहाँ। अभी देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आज यहाँ नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये एक मतलब नेचर का एक बहुत ही बड़ा मतलब दान है लोगों के लिए। देखिए कितने पानी बह रहा है, पूरा से पानी ही पानी है, खेल रहे हैं लोग, सब पानी में खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा वक्त यहाँ बिता रहे हैं। ये देखिए ये जो एरिया है यहाँ मतलब ज़्यादा ये मतलब डीप नहीं है, कमर के ऊपर ही पानी है, बस यहाँ बैठे हुए हैं लोग सब और नहा रहे हैं। अभी हम थोड़ा देखिए ऊपर देखिए, हम भी थोड़ा नहा रहे हैं, पूरा यहाँ बैठ सकते हैं, बैठ के यहाँ आप ध्यान भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। देखिए यह पूरा बिल्कुल नीचे का एरिया है, पूरा पानी ऊपर से आता है। ये देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। अभी हम थोड़ा इसके ऊपर जाएंगे। ये देखिए यह इसका ऊपर का एरिया, देखिए बिल्कुल कितना सुंदर। देखिए आप एक बार यहाँ आओ तो जाने के मन नहीं करेगा, मतलब दिल को छू जाने वाला ये जगह है। इसके अंदर ये ऊपर से पानी बह रहा है, ये जो मतलब एरिया है, ये डैम के अंदर का एरिया है, करीब 30 या 40 फीट ये डीप है इसके अंदर, और वो पानी भर के ऊपर से उभर के आ रहा है पानी नीचे। ये देखिए वाओ फैंटास्टिक, इतना सुंदर पानी बह रहा है, ये देखिए। अभी हम थोड़ा इसके ऊपर चल के जाएंगे, बहुत ही सुंदर डैम है। अभी हम इसके ऊपर चल के जा रहे हैं, मतलब पूरा इधर से उधर पार करेंगे।
ये देखिए ये पूरा सीमेंट में किया गया है, आपका मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको आप आराम से इसके ऊपर जा सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो, नहा सकते हो। पूरा देखिए कितना सुंदर, देखिए इतने सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी, इधर भी लोग नहा रहे हैं, उधर भी नहा रहे थे, इधर भी लोग नहा रहे हैं। और ये जो कुछ लड़के हैं इधर, जो शायद यहाँ का लोकल लग रहे हैं, ये इसके अंदर नहा रहे हैं। सब तो बाहर नहा रहे हैं, मतलब कम पानी में नहा रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा पानी में नहा रहे हैं। ये देखिए वाव, स्टॉन्ट मार रहे हैं यहाँ। देखिए देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए कितना सुंदर है, बिल्कुल पानी ही पानी है। अभी हम डैम से उतर आए, ये है डैम से एक कैनाल गया हुआ गया है, मतलब बनाया गया है एक कैनाल, क्योंकि ये कैनाल कैनाल से पानी खेती बाड़ी करने में हेल्प होता है। ये देखिए यहाँ भी बच्चे नहा रहे हैं। वाह बड़े मौज कर दी। अभी हमारा कुछ फोटोज हम इधर शेयर कर रहे हैं, ये देखिए हम उधर खड़ा हैं। ये पूरा ऊपर का फोटो है, पूरा ऊपर वाले, पूरा ऊपर का फोटो है। ये देखिए पूरा स्टेप्स है, यहाँ आप आराम से खड़ा हो सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये देखिए हमने बैठा है इधर, देखिए आप जाप भी कर सकते हैं भोलेनाथ की। देखिए ये पूरा ऊपर वाला, ऊपर का फोटो है, और ये पूरा नीचे वाला, नीचे भी हम बैठे हुए हैं, सो भी गए हैं पानी के अंदर, थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लिए। ये खड़ा है अभी तो। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट कर देना थोड़ा, और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और ये जो हमारा चैनल है उसको थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।